आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर निगम फिरोजाबाद के प्रांगण में मेयर नूतन राठौर और नगर आयुक्त घनश्याम मीणा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नगर निगम के सभी अधिकारीगण, पार्षदगण के साथ साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर नूतन राठौर द्वारा नगर निगम के सभी पदाधिकारी, पार्षद और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई कि वह अपने अपने क्षेत्रों को साफ एवं स्वच्छ रखें और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर हम सभी शपथ लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, और जैसा कि हमने हर घर तिरंगा की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई और पूरे देश से आह्वान किया कि हम अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं, तो उस मुहिम में नगर निगम फिरोजाबाद ने भी बहुत अच्छे से काम किया। हर घर तिरंगा लगाने का पूर्ण प्रयास किया है और कई जगह मतलब हमने कोशिश की है कि हर घर तिरंगा देने का प्रयास भी करें और वो किया है। साथ ही जिस तरह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये केवल इस वजह से क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे कई अमर शहीद और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम सभी को उनके जो त्याग है, जो समर्पण है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और उसी याद में जो ये दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उनको भी याद कर रहे हैं, शहीदों को उनको भी नमन करते हैं, जितने भी शहीद हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर निगम जो हमारा परिवार है, हमारे जनपदवासी हैं, सभी लोगों से अपील करूंगी कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को भी हमें संकल्प लेना है कि कचरा मुक्त बनाना है, कचरे से आज़ादी दिलानी है। तो इस मुहिम में नगर निगम परिवार का पूर्ण सहयोग करें और अपनी नैतिक जिम्मेदारी, साथ में हमसे जो सहयोग की अपेक्षा है हम पूरी करेंगे और अपने शहर नगर निगम फिरोजाबाद को कचरा मुक्त बनाएंगे, कचरा से आज़ादी दिलाएंगे। जी मैम, हमने हर घर तिरंगा अभियान चलाया और हर घर पर आज तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन आज के बाद उस तिरंगे का क्या होगा, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जिस प्रकार से जो हर घर तिरंगा की मुहिम है, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मैंने देखा जो जन जागरूकता इस बार थी तिरंगा लगाने को लेकर, बहुत फोन मेरे पास आए तिरंगा लेने के लिए, हमने तिरंगा दिए, आम जनता से लोग चक्कर लगाते हैं कि हमें एक तिरंगा दो। तो जिस प्रकार की चिंता आपको तिरंगा लगाने की है, उसी प्रकार की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को इसकी भी रखनी होगी कि हमारे तिरंगे का अपमान ना हो, कहीं इधर उधर पड़ा न दिखाई दे, उसको अपने पास रखें, अपने घर में लगाएं और उसको पूरा सम्मान दें, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ में मैं सभी लोगों से अपील ये भी करूंगी, यदि हम सभी को किसी को भी कोई तिरंगा कहीं अगर दिखता है कि गलत तरीके से लगा है या कहीं गिर गया है या फट गया है, तो उसको हमारी जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति ने देखा है उसको उठाकर पूरे सम्मान के साथ अपने पास रखें। देखिए, आज सर्वप्रथम मैं जितने भी हमारे जनपदवासी हैं, शहरवासी हैं और देशवासी हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज पूरा देश जो है वो हर घर जो तिरंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी थी, आज देख रहे हैं हम लोग कि प्रत्येक घर के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो लहरा रहा है, और वो इस बात का संदेश दे रहा है कि जो हमारे देशवासी हैं वो हमारे जो देश है उसके लिए कितने समर्पित हैं। और आगे मैं सभी से ये संकल्प करना चाहूँगा कि आने वाला जो वर्ष है उसमें हम सब ये संकल्प लें कि पूरे देश को स्वच्छ हम लोग बनाएं, और जिस मुहिम को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश को हम लोग को स्वच्छ बनाना है और हमारे देश को विकसित देश जल्द से जल्द हम लोग को
बनाना है, उसके लिए जो भी हमारा प्रयास हो सकता है वो करें।